अनपढ़ असहाय गरीब महिला लड़कियां लड़के जो अपने पंचायत गांव में काम करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। सिवान जिले के जीरादेवी प्रखंड क्षेत्र के धज्जू सिंह उच्च विद्यालय से इंटर कॉलेज के परिसर में पुलिस सप्ताह कार्यक्रम गुरुवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिवान पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। उसके बाद उन्होंने छात्रों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि छात्र समाज के भविष्य हैं, जो अपनी सकारात्मक ऊर्जा से राष्ट्र की सेवा को अपना धर्म समझते हैं। उन्होंने कहा कि बचपन में अभिभावक की बात अच्छी नहीं लगती है, पर जो छात्र अभिभावक व गुरु की बात को मान व समझ लिया, उसका जीवन सुधर जाएगा। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ अच्छा नागरिक बनना चाहिए तथा कभी भी अप्रिय शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि छात्र को सीखने की ललक होनी चाहिए। उन्होंने जनता के साथ संवाद भी किया तथा सामाजिक दायित्वों का बोध कराया, फिर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिए। विद्यालय के छात्रों ने स्वागत गान गाया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक ने बैटिंग कर क्रिकेट खेल का उद्घाटन किया। इसके बाद वॉलीबॉल खेला गया, फिर छात्रों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया तथा सभी प्रतिभागियों को मेडल से पुरस्कृत किया गया। प्रशासन बनाम जनता के बीच क्रिकेट खेला गया, जिसमें जनता की टीम ने 50 रन से जीत हासिल किया। वॉलीबॉल में भी 4-1 से जनता की टीम ने जीत हासिल की। इस मौके पर सर्जेंट मेजर बबलू कुमार यादव, इंस्पेक्टर उमेश कुमार, जीरादेई थाना प्रभारी कैप्टन शाहनवाज, दरौली थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह, मैरवा थाना प्रभारी संजीव कुमार, स्टेट बैंक के प्रबंधक नागेश्वर चौधरी, एएसआई गोपाल दुबे, एसआई प्रदीप सिंह, गणमान्य जनता संजय कुमार सिंह, विजेंद्र पाठक, सुभाष चंद्र प्रसाद, प्राचार्य विवेकानंद मित्र, प्राचार्य कृष्ण कुमार सिंह, राम प्रवेश सिंह, गुड्डू कुमार, सांसद प्रतिनिधि लाल बाबू प्रसाद, सरोज सिंह राणा, सत्येंद्र मिश्र, अनिरुद्ध कुमार, देवाकांत मिश्र, सुनील दुबे, लाल बाबू राम, विजय कुमार, जावेद खान, गोलू सिंह, सोनू सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अंकु कुमार, मुखिया खुर्शेद खान, देवेंद्र चौधरी, मनीष तिवारी, छोटेलाल कुमार आदि उपस्थित थे। और कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन है, कुछ सोसाइटी को आपसे एक्सपेक्टेशन है, कुछ देश को भी आपसे एक्सपेक्टेशन है, सब लोगों का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम यह है कि हम जानते हैं कि इनिशियली कोई बात अच्छी नहीं लगती। जब गार्जियन कुछ बोलता है तो लगता है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एज है ना, उस एज में वो जो हमारे हॉर्मोन्स हैं, हमारी जो प्रवृत्ति है, अगर बचपन में आदमी बचपना नहीं करेगा तो कब करेगा। हम लोग तो कर नहीं पाते, ये बचपना में ही होता है, तो वो एक अलग इश्यूज है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको ये समझना है कि आप समाज के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए हो क्योंकि आप फ्यूचर हो, और आपका आपकी सोच और आपका जो कार्य है या जो आपके जो जो आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो समाज को आगे बहुत कुछ आगे ले जाएगा, और ये डिसाइड भी कराएगा कि समाज आज से 20 साल के बाद का समाज, 20 साल के बाद का राष्ट्र है ना, 20 साल बाद का राज्य या उसका 30 40 50 साल कैसा रहेगा। तो ये जो फाउंडेशन है जिसे किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए, जिस तरह से उसके डेवलपमेंट के लिए जैसे मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह जो ह्यूमन कैपिटल है, जो ह्यूमन का जो ये है इंटेलिजेंस है या ये जो वर्क फोर्स है, वो डिसाइड करता है फ्यूचर ऑफ द। तो मेरा ये आप लोग से बस सिंपल एक चीज़ है कि हमको एक अच्छा नागरिक, और अच्छा नागरिक बनने में ही सारे चीज़ें समाहित हैं। आप जब किसी के शादी करते हैं तो आपको अच्छा दामाद या भू बनना जो भी है, तो हम लोग तो दिशेवारी की जो बात है, मतलब बाकी की हम लोग को पढ़ाई करना चाहिए। आप अलग चीज जैसे कि कोई क्रिकेट खेलता है, आस्पेक्ट है, आप ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई करने वाले लोग सक्सेसफुल है लाइफ में या वही अच्छा कर रहे हैं, कुछ खेलने वाले में भी उसमें वो लोग अच्छा करते हैं, कुछ एथलेटिक्स में अच्छा करते हैं, तो हर एक चीज़ का अपना वैल्यू है। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है, बिकॉज जो पहले का जो एक डिफरेंस था हैव एंड हैव नॉट का, कि कौन
हैव एंड हैव नॉट का एक डिफिनेशन था कि कौन रिच है कौन पुअर है, वो था वेल्थ, कितनी जमीन है कितना वेल्थ है। अभी जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है तो ये नॉलेज इकोनॉमी चल रहा है, उसमें किसके पास नॉलेज है किसके पास नॉलेज नहीं है। दर्द एवं लकवा मुक्ति केंद्र डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, माधव नगर, महादेवा महावीर स्कूल के सामने, शिवान।